हाफिज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए फेस स्क्रब। जी हाँ फ्रेंड्स, हम फेस स्क्रब करने वाले हैं और इसमें जितनी भी रेमेडी सब होम रेमेडी है, सब कुछ आपको अपने घर पे मिल जाएगा। और जिस चीज़ से हम स्क्रब करने वाले वो है हमारी पीने वाली चीज़। यानी आप सोचेंगे किसी कौन सी चीज़ है जो हम खाते पीते नहीं, पीने वाली चीज़ उससे हम फेस को स्क्रब कर सकते हैं। तो जी हाँ, ऐसी चीज़ है हमारे पास, एक ऐसी चीज़ जिसके साथ हम स्क्रब करने से हमारे फेस पर स्टैंड ग्लो आता है, साथ ही साथ जितने भी डार्क स्पॉट होते हैं, फिर जो ब्लैक हेड्स होते हैं, यानी जैसे हम क्रीम पाउडर और कुछ भी अगर फेस पे लगाने रहते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं, जिसके वजह से डार्क स्पॉट नहीं होता है, बट जो ब्लैक डार्क स्पॉट हो जाता है, सारे छिद्र हमारे चेहरे के बंद हो जाते हैं, तो उससे आपको स्क्रब करने से खुल जाता है। जैसे जिससे भी डार्क स्पॉट होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, वो सारे रिमूव हो जाते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपके फेस पे पिंपल्स भी निकल रहे हैं तो भी खत्म हो जाते इस रेमेडी से। तो अभी पहले हम देखते हैं शुरू से लास्ट तक रेमेडी कैसे यूज़, इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हमें कैसे यूज़ करना। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, इस स्क्रब को आप वीक में दो बार आराम से ट्राई कर सकते हैं। अगर घर में रहते हैं तो आप एक दिन गैप करके भी कर सकते हैं, बट स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा नहीं की जाती। स्क्रबिंग हमेशा वीक में एक बार या फिर दो बार की जाती है। तो आप इसको अपने रूटीन में अप्लाई करके देखिएगा, इससे इंस्टेंट ग्लो आता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप एक बार ये जो रेमेडी मैं बता रही हूँ फेस स्क्रबिंग, अगर एक बार ये ट्राई करते हैं तो 100% मैं श्योर हूँ कि आप मार्केट से जितनी तरह के स्क्रब हैं या फिर अदर्स जो भी स्क्रब करते होंगे सब भूल जाएंगे, क्योंकि ये स्क्रब इंस्टेंट ग्लो लाता है आपके फेस पर, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। आप देख सकते हैं मैंने अभी अपने फेस पर स्क्रबिंग किया हुआ था। स्क्रब करने के बाद आपको 3 से 4 मिनट रखना है, उसके बाद पानी से धो लेना है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और अगर इस मेरे वीडियो में आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी वीडियो टिप्स के रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैं बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से इसे देख पाएंगे। चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फिर देख सकते हैं कि मैंने लिया है ये कॉफ़ी पाउच, ये 2 रुपए की पाउच आती है, कॉफ़ी का छोटा पैक लिया है मैंने। आपके घर में जो भी अवेलेबल हो यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने लिया है शुगर, शुगर लिमिट के साथ यूज़ कर सकते हैं। और ये लिया है मैंने कोकोनट ऑयल। इन तीनों का मिक्सर से हम स्क्रब बनाने वाले हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने 1 चम्मच से भी कम ले लिया है शुगर, क्योंकि सिर्फ हमने फेस स्क्रब बना रहे हैं इसलिए हमने कम क्वांटिटी में सारी चीज़ें ले रही हूँ। अगर आपको हाथ पैर नेक फुल बॉडी स्क्रब करना है तो उस हिसाब से क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें कॉफ़ी लेना है, कॉफ़ी भी सेम क्वांटिटी में लेंगे हम, जितना हमने चीनी लिया है उसी क्वांटिटी में हम यहाँ से ये कॉफ़ी ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा थोड़ा सा ले लेंगे। चीनी आप देख सकते हैं, चीनी थोड़ी सी बारीक वाली मैंने ली है। अगर आपके पास बड़े दाने की चीनी है तो थोड़ा सा उसको आप हल्का सा बारीक कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बहुत यानी बड़े दाने से थोड़ा सा उसको छोटा कर लेना है। कूट एक दो बार उसको कूट लेंगे आप तो छोटा हो जाएगा। इन दोनों को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद पूरे चम्मच में से जितनी भी कॉफ़ी लगी इसे मैं साइड हटा दे रही हूँ, ताकि इस चम्मच से हमें ऑयल निकालना है। मेरे पास बड़ा जार है ऑयल का, कम से कम 1/2 लीटर का। मैं हमेशा हर चीज़ में इसको यूज़ करती हूँ, बालों में, फेस के लिए, फेस पैक बनाना हो, फेस स्क्रब के लिए यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने बड़ा पैक लिया है। इसमें मैं कम से कम 2 चम्मच इतना मैं लूँगी कोकोनट ऑयल। आप देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लिया है। इससे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है। इससे ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाना है, इतना बनाना है कि सब तीनों आपस में मिक्स हो जाएं, क्योंकि हम ये पैक नहीं बना रहे। पैक जो होता है वो ज़्यादा लिक्विड होता है, तो इसलिए हमें सिर्फ स्क्रबिंग करना था। हमें इसकी क्वांटिटी ऐसी होनी, जिसकी जो थिकनेस है बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तो देखिए अब हमने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया, फेस वॉश नहीं किया, सिर्फ चेहरे को वॉश किया है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ और स्क्रबिंग कर ले रही हूँ, कि बाद में 8 से 9 बजे तक हम नहाएंगे। तो देखिए फेस का स्क्रब बहुत ही आराम से करते हैं, ज़्यादा हार्डली स्क्रब नहीं किया जाता, क्योंकि जो चीनी के दाने हैं वो स्किन पे लगने का डर होता है, थोड़ी सी भी लग जाएगा तो इस रेसेस होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए आप बहुत ही आराम से करिएगा। और जैसे जैसे इसको आप चीनी से स्क्रबिंग करेंगे फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए आपको चीनी धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा। ऑयल और ऑयल और कॉफ़ी के साथ ही दोनों मेल्ट हो जाएगा। तो कम से कम 5 से 7 मिनट मैं अच्छे से स्क्रब करूँगी अपने फेस को। देखिए इस तरह अच्छे से स्क्रब करना है। नीचे मैंने टॉवल लगा रखा है ताकि नीचे चीनी वगैरह ना गिरे, वरना अगर, क्योंकि मैं यहाँ वॉशरूम पे नहीं हूँ, ना ही सिंक के पास, बाथ बेसिन के पास भी नहीं हूँ, मैं कमरे में ही कर रही हूँ छोटी।
वीडियो के सामने हूँ। वीडियो के जस्ट सामने मैंने मिरर ले रखा है, क्योंकि विदाउट मिरर के तो हम फेस पे स्क्रबिंग कर ही नहीं पाते हैं, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो मैं इसको अच्छे से स्क्रब करूँगी फेस पे। नहाने से पहले ही आप स्क्रब करिएगा, क्योंकि मैं स्क्रब सिर्फ फेस पे आपको दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं हाथों पे, पैर पे, गले पे पूरी अच्छे से स्क्रबिंग करती हूँ इस चीज़ इस रेमेडी से। और यकीन नहीं मानूंगी, बिल्कुल इंस्टेंट ग्लो आपके स्किन पे आता है। कॉफ़ी में जितनी भी प्रोटीन्स होते हैं वो आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए मैंने हाथों को भी कर लिया है, इस तरह से राउंड मोशन में करके आपको अच्छे से स्क्रब करना है फेस पे। आप देख सकते हैं स्क्रब करने के साथ साथ मेरे स्किन पे कैसे ग्लो आ रही है, आप देखिए। चाहे तो आप वीडियो के बैक में जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं मेरी स्किन कैसी थी और अभी स्क्रब करते समय मेरी स्किन कितनी ग्लो आ रही है। अब देखिए मैंने स्क्रबिंग को लगा लिया है फेस पे। अब इसे मैं 4 से 5 मिनट के लिए आराम से छोड़ दूँगी, जब तक कि चेहरे पे पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए, अब्जॉर्ब ना कर ले स्किन। देखिए तो 4 से 5 मिनट मेरे हो चुके हैं। अब इसको अच्छे से हल्का सा स्क्रबिंग चेहरे पे करूँगी, इसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपके सामने होगा। और देखिए मेरी स्किन अभी कितना ग्लो कर रहा है। अभी मैंने एक टॉवल लिया है, इसे धोना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसे ऐसे पोंछ लेना है। कि मैंने ट्राई किया हुआ है, सर्च भी किया हुआ है अपने स्किन पे, अगर आप स्क्रब करने के बाद इस रेमेडी को स्क्रब करने के बाद तुरंत धोते हैं तो उसकी ग्लो और ऐसे टॉवल से पोंछ लेते इस ग्लो में काफ़ी अंतर होता है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा स्किन ग्लो करता है। और चूँकि हमने जो भी प्रोडक्ट अपने फेस पर यूज किया है, फेस पर हमारा रहता पानी साथ तुरंत हट जाता है। तो हमें देखिए आपको कितना अच्छा ग्लोइंग हो रहा है मेरे फेस पर, काफ़ी अच्छा ग्लो आ गया है पहले से। तभी मैं इसको कम से कम आधे घंटा छोड़ दूंगी। ये मेरे थोड़ा सा पिंपल्स मेरे चेहरे पे, तो इसको देख के बिल्कुल मैं जय की अचानक ही हो गया था। तो फ्रेंड्स देखा आपने था ना, बहुत ही यूनिक सा नुस्खा। जी हाँ, हमने सिर्फ कॉफ़ी, यानी जो हम कॉफ़ी पीने में यूज़ करते उस कॉफ़ी से हमने स्क्रब बनाया, और वो ऐसा बेहतरीन स्क्रब है जिससे आपका फेस पे इंस्टेंट ग्लो आएगा। मैंने दिखाया भी कि स्क्रबिंग करने के बाद जब हमने टॉवल से क्लीन किया तो हमारा फेस कितना ज़्यादा क्लीन हो गया, बिल्कुल भी जितने भी डार्क स्पॉट थे वो भी रिमूव हो गए, ब्लैक हेड्स थे वो भी रिमूव हो गए, और साथ ही साथ इंस्टेंट ग्लो आ गया हमारे फेस पे। बट इतना ध्यान रखिएगा, टॉवल से क्लीन करने के बाद, स्क्रब करने के बाद 2 से 3 मिनट उसको फेस पे रखिएगा, उसके बाद जब हम टॉवल से क्लीन कर लेते हैं तो स्किन में बस हमारा हल्का सा ऑयलिंग का मॉइस्चराइजर बचा रहता है। और आप जानते हैं जो कोकोनट की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारे बालों के साथ साथ स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा ग्लोइंग होता है। अगर आपका रंग किसी वजह से सांवला हो गया है, डार्क हो रहे हैं, तो अगर आप डेली रूटीन में नारियल का तेल यूज़ करते हो रात को सोते मैं दिन में कभी भी मॉइस्चराइजर के जब नारियल का तेल यूज़ करते हो तो ये 100% श्योर है कि जितने भी आपके ब्लैंक्स हैंड हो गए, फेस हो गए, बिल्कुल भी क्लियर वाइटिंग एंड ग्लोइंग करेगा। चीनी हमारा स्क्रब के लिए होता है, कोको जो हमारा जो कॉफ़ी होता है इसमें भी जितनी प्रॉपर्टीज होती है हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जिससे हम ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, डार्क स्पॉट को रिमूव करता है। और सबसे बड़ी बात जो शुगर होता है, शुगर जो मैंने लिया है वो बहुत ही छोटे दानों के लिए हैं, अगर आपके पास छोटे दानों की नहीं है तो उसको हल्का सा तोड़ लेंगे। और स्क्रबिंग बहुत ही आराम से करना है, ज़्यादा हार्डली बिल्कुल नहीं करना क्योंकि इसमें शुगर है, ज़्यादा हार्डली करने से स्किन कटने का डर रहता है और धीरे धीरे वो मेल्ट हो जाए। जैसे आप स्क्रबिंग करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे चीनी आपका मेल्ट होने लगेगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर कैसी लगी आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर लगती है कि हाँ वाकई काम की वीडियो है आपके, तो अपने रिलेटिव फ्रेंड्स साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।